खराब कोई दिक्कत नहीं है। इसे का नानू यार घुमा नाच 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 रगड़ रगड़ घोटी है बाप। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो मैं और मेरे यार और स्पेशल आप, हम सब चल रहे हैं दिल्ली से केदारनाथ, और पूरा सफ़र मैं आपको दिखाऊंगा। अभी एक थोड़ी सी छोटी सी टीम मीटिंग होने वाली है, वो दिखाते हैं और उसके बाद निकलते हैं सफ़र पे। लंबा सफ़र है, बोल शंकर भगवान की जय। तो गाइज, हमारा पहला स्टॉपेज ये अपनी दो धूम मचा ले, ये भी अपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमारा पहला स्टॉपेज, और मैं अपने भाइयों के लिए आज ना एक वो अपने हाथों से एक चीज़ बना के लेके आया हूँ, और मैं भी लाऊंगा अपने हाथों से बना के। टंटा टंटा देख सकते हो आप, देख ही सकते हो, ये मैंने ही बनाया। सैम बोल रहे भाई, गवाह ये रहा हमारा लाला है भाई। लाले के हाल हो? हाँ जी, हालत देखो इस इंसान की, टेढ़ा सा होके बैठा है तू, क्या बात है। तो पहला स्टॉपेज जो है 70 के बाद है। चलो जी, अब हम खा लेते हैं, बाकी आगे का सिस्टम आपको डाल दिया इसमें। अरे वो थोड़े से ज्यादा हो गए यार, हाथ रुकता नहीं ना डालते टाइम। चलो दिखाते हैं सर जी, आपको आगे का सिस्टम दिखाते हैं। हमें मिल गया है यहाँ पर तेरे नाम मूवी का झूला। सल्लू भाई भी यही झूल रहे, ओ तेरा बोलाओ अच्छा लगता है, ओ तेरा। पता है आप लोगों को, ये घर से सब खाना वाना बांध के लेके आए थे, सिर्फ पानी की बोतल ली यहाँ पे और कुछ नहीं खरीदा, और बैठ के खाने लग गए। बहुत ही वो मना कर रहा है, होटल वाला मना कर रहा है, फिर भी जबरदस्ती क्या भी लेंगे लेंगे लेना। इतनी पब्लिक आई हुई है, सो गाइस इतनी पब्लिक आ गई है, इनको पता नहीं कैसे है। बताओ पता लग गया, बाबा के सफर के ऑनर आए हुए हैं, तो एक एक करके भर भर के आ गए भाई। और ये हमारे भाई, जाओ तो किसी और को बुला। और अलकनंदा पे खड़े हैं, और हमारा सेकंड ब्रेक है। ये देख लो, सब ठीक ठाक है, सब ठीक है, दिल्ली कतौली पहुंच चुके हैं अभी हम। और अब यारा दा हवेली देख सकते हो, यारा दी हवेली। और अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, काके गाना सुना दीजिए प्लीज, एक गाना। चेक 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 हेलो कार्तिक जी, हेलो करा दे, ओ बोले ऐसी आपको रोमांच मिलता रहेगा। ये देखो झगड़े हो गए सिंगर्स के, की जय। सड़क पे एक बोर्ड आया, हॉर्न बजा दे, हॉर्न
मंच आपको मिलता रहेगा, आगे भी दिखाते आगे का सफर आपको। टैम ब्रो, हेलो गाइस, ये देख सकते हो मैंने नया काम खोला है, ये किले किले का नया काम खोला ताकि कोई चुराने ले, इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ ऐसे पांव में बाल डाल के लेके पांव में भाई क्या पुरकट्टी वाला हेलमेट शाका। ये हमारे भाई मिले हमें रास्ते में, ये इनका हेलमेट है। भाई नाम क्या है आपका? मेरा धीरज। धीरज भाई मिले हैं हमें। कहां से भाई? दिल्ली से। दिल्ली से भाई धीरज। कौन से भाई? दिल्ली में कहां से? दिल्ली में द्वारका। द्वारका बोल शंकर भगवान की जय। और बुगट्टी वाला हेलमेट लेके चल रहे हैं भाई, मजा आ गया भाई, बहुत शानदार हेलमेट है ये। दबंग नाच 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 रगड़ रगड़ घोटी है बाप। बारिश के मजे ले लो, बोलो हल्की बारिश के मजे ले लो। मैं समझ सकता हूँ अभी आप मेरे को छोड़ के भाग गए थे, बिस्तर में कोमा में पड़े होंगे, लेकिन इन वादियों को देखो एक बार जरा, क्या वादियां हैं। वादियां तो अभी घर मोहल्लों की चार दीवारी छोड़ के एक बार बाहर उतना खड़ा आओ तो सही, देखो तो सही। बाकी अभी दिखाते हैं आपको हरिद्वार के दर्शन कराते हैं। ट्रेलर दिखा रहे हैं जो हमारा एक मिनट का है, पूरी पिक्चर ही बाकी है मेरे दोस्त। और बाकी अब हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार के नजारे दिखाएंगे, क्यों काके भाई साहब, हर हर महादेव। सो गाइस 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 गाइस, अभी मैं जो आपको चीज दिखाने वाला हूँ ना, आपने सोची नहीं होगी भाई साहब, सोची नहीं होगी भाई साहब जो मैं चीज दिखाने वाला हूँ अभी। ओम नमः शिवाय। ये देख लो भाई, जन्नत देख लो। अभी हरिद्वार हर की पौड़ी में ये नज़ारे हो रहे हैं। हाँ जी सचिन जी, नहाना है पसंद करेंगे स्नान? पानी से धुआं उड़ रहा है। और एक जी क्यों सैम बोले? लाइव प्रोजेक्ट कहेंगे, लाइव प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट। सो गाइस, हरिद्वार में जो फेमस मंदिर है, मतलब श्रद्धा के हिसाब से मनसा देवी मंदिर, अगर साफ होता ना तो मैं अंदर मूर्ति दिखा देता ना, रूम मार देता। ट्रोली कहाँ है यहाँ पे? ट्रोली भी जाती है, ये तो कौवा जा रहा है बीच में, पीली पीली देखो। हाँ वो आ रही है, वो चल रहा है मच्छर मक्खी से। तो आप ट्रोली से भी जा सकते हैं मनसा देवी मंदिर, और पैदल भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। दबंग भाई साहब पानी में बह गया बंदा, छोड़ा है बचाने के लिए, दबंग बह गया पानी में, आगे मिलेगा बंदा छोड़ा भाई, दबंग को पकड़ लियो, चैन में फंसा पड़ा है। अबे क्या मान गए भाई, ये तो पानी में मान गए। यस सपाटे सपाटे। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं हरिद्वार से, स्नान स्नान सब हो गया, और अब आपको नज़ारे दिखाएंगे हम ऋषिकेश के आगे। और शंकर भगवान की जय। जादू 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 जय, बोल शंकर भगवान की जय। तो गाइस अब हम आ गए हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश के पहाड़ों में स्नान, और ये भाई हमारे हैं। तो गाइस जब हम रुके हैं अपने चौथे या पांचवा ब्रेक है, चौथा ब्रेक है, ये बोलगी जो भी है सही है, चौथा। तो अभी हम टूसने के लिए रुके हैं गाइस। यार पुण्य करे जाओ, फल की चिंता मत करो, हमने तो यही सीखा है। शक्ति में भक्ति, भक्ति में शक्ति, बोल शंकर भगवान की जय।
गाइस अभी मैं हूँ उस जगह जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी। तो ये बहने हैं, इनका संगम होता है, बहुत ही अच्छी जगह है। दूर दूर से पर्यटक आते हैं यहाँ पर, दूर दूर से। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ डुबकियाँ चल रही है फुल। हमारा थोड़ा लंबा सफर है, नहीं तो वहाँ जाते। देख ही सकते हो ब्यूटी, देखो ये भाई नेचर का बनाया हुआ ये वाटरफॉल है, जिसमें आप गाड़ी भी वॉश कर सकते हो अपनी। लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई मूड नहीं है तो हम नहीं करेंगे वो। भाई ब्यूटीफुल हो रहा है मैटर, बहुत तगड़े। देखो मैं एक सीधी सी बात आपको बता दो, पहले पहाड़ देखो और दूसरी बात है आप देख ही रहे हो रूट। अगर इतनी आसानी से बाबा मिल जाएंगे ना तो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, पूरी परीक्षा देनी पड़ती है दादा, फिर जाके बाबा के दर्शन होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। पीछे कर नानू यार घुमा। पहले एक माता का जो वहाँ पे व्यू पॉइंट है जो पहाड़ से दिखता है वो दिखाऊंगा और फिर माता के दर्शन करवाऊंगा आपको वहाँ पे दिखा कर। जय माता, आगे दिखाते क्या बोलती पब्लिक, कैसा लग रहा है। गाइस ये वेदर देख के मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि गेटअप जो आपका होना चाहिए ना, हाँ जी गेटअप, इस गेटअप से नीचे बातचीत मत रखना, नहीं तो ठंड ऐसी बैठेगी छाती में कि डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आएगी। ठंड प्रूफ, ठीक है जी, चलो। हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी है कि बीच में इतनी लैंडस्लाइड थी, पहाड़ गिरे हुए थे, कीचड़, ऑफ रोडिंग बहुत झंझट थे, और एक फनी सीन भी हुआ था, वो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो नहाने में चाहिए जाली और यहाँ तो जाली भी नहीं, और ये सो रहा है यहाँ पे आराम से। जय बोलेगी तो हेलो गाइस, सबसे पहले देखो ये वॉटरफॉल, उसके बाद देखो मेरी आंख जिसमें कीड़ा जाने की वजह से वो सूज गई है, और सबसे मेन उधम सिंह नगर जसपुर से केदारनाथ धाम हमारे भाई जा रहे हैं। हर महादेव, हर हर महादेव। भाई इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं बाबा केदार के दर्शन सही सलामत कर सकूं, और इन भाई लोगों के सपोर्ट से मुझे आज बहुत हिम्मत मिली है आगे जाने के लिए, एक नई ऊर्जा मिली है यहाँ से मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, और इन भाइयों को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आप लोग। धन्यवाद। चैनल है और
इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शिवम कुमार 9836583 और ये भाई की इंस्टा आईडी है और ये भाई जा रहे हैं साइकिल से वंदे मातरम और भाई कुछ बताएंगे अब। और मैं इस समय सर कल केदारनाथ के लिए अपना यात्रा शुरू करूंगा। ओके। और नाइट वहीं पे रुक के 15 अगस्त के दिन जो कि बहुत ही मोस्टली हमारे लिए वो दिन होता है बिल्कुल झंडा लहराना है वहाँ पे, हम भी इसलिए जा रहे हैं केदार बाबा पे झंडा लहराऊंगा अपना जाके और अपनी साइकिल के दर्शन भी उधर कराऊंगा। वो आजी वाह, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, जय महादेव। कि आप देख रहे हैं दिल्ली में अभी क्या सड़ी सड़ी वाली है गर्मी और यहाँ मफलर देखे जा रहे हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं मुझे ये बता दो कमेंट करके। अत्यंत अपने सिपाही ऊपर रह गए हैं, ये देखो कितना मोटा पूरा पर्वत गिर गया ऊपर से, ऊपर आगे बाइक देख बाइक पिछली पड़ी है अंदर है। हाँ रोड रोड पूरी टूटी हुई है गाइस, नई टीडी चंबा मेरे, ये बनाना ये देख लो ये सब पार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, घर वाले अगली बार भेजेंगे नहीं भाई साहब। हेलो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि अगर आप ऐसे आएंगे, ये रिस्क लेके मैं किस लिए आया हूँ, मैं आपको दिखाने आया हूँ कि अगस्त में आप ना आए। हेलो भाई साहब, देखो खतरों पे निकल रहे हैं हम, देखो सबकी मुंडी देखो ऊपर मेरे साथ का। यहाँ पे आदमी भी मिल जाता है
आपकी इधर जिराफ। तो जब ये बोर्ड आपको मिल जाए तो यहाँ पे भाई साहब लेफ्ट होंगे आप, सीधा ही रास्ता है। और यहाँ ये बोर्ड है, ये सेल्फी बोर्ड है, चौकी बना दी है, पता नहीं रुकने देंगे ना नहीं रुकने देंगे, लेकिन हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको एक फोटो लेके। तो जल्दी से जल्दी हम एक फोटो लेंगे। मैंने अभी आपको रास्ता दिखाई दिया है और रास्ते के बाद ये अपना और ये गुप्त काशी पाटा और केदारनाथ धाम के लिए हम चले चुके हैं। यहाँ नजारों के अगले नजारे, ओहो खतरनाक मौसम हो रहा है, पूरा ही कोहरा चारों तरफ पिस्टल है और बगीरा आगे बगीरा घूम रहा है, दिख पड़े हुए बगीरे। आ गया था अपने आप ही नीचे, ये इसको ले जरा कैप्चर वाले बाहुबली वाला है उससे नहीं। ये सब दिखा रहा हूँ गाइस, भाई साहब बहुत तगड़ा सिस्टम है। टेंशन ना लिए कार्तिक, तेरा भाई तेरी खेल है। हाँ भाई सब ठीक ठाक है। गाइस फाइनली सोनप्रयाग, ये देख रहे देख रहे हैं और लग चुकी है पार्किंग में गड्डियां मारी है नीचे, अब जा रहे हैं रूम की तरफ। भगवान की जय, वो शंकर भगवान की जय। तो फाइनली अब हमारी गाड़ी लग चुकी है और हम निकल हैं जी, पूरा शिवलिंग लेके चल रहा है, चढ़ाई करेगा पूरा शिवलिंग लेके बाहुबली। हेलो दिखा दिया। तो गाइस सोनप्रयाग की पार्किंग के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने रूम, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। और ये सैम्ब्रो बैग कार्तिक, ये डस्टबिन बना दिया पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगले रूम दिखाते हैं, लाइट गई हुई है, जनरेटर चल रहा है मीटर गैस के, ऐसी होता है देखो, ये करना पड़ेगा आपको। और अब हम दिखाते हैं आपको अपना तीसरा रूम, जहाँ पे हमारे सचिन भाई भी हैं। कुछ एक्चुअल में कुछ कहानी है जो वो अभी समझा रहे हैं सबको। आवाज आ रही है या नहीं आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको। हट भाई, तो क्या हाल है? हेलो। तो भाई साहब डस्टबिन, सारे रूम डस्टबिन हो जाते हैं जब आप बाहर होते हैं। और ये बंद कर यार, ये वो जनरेटर चल रहा है। हाँ जी कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? रूल रेगुलेशन नहीं है, देख लो तेरे शर्ट देखो कहाँ काट। और इसे पंखा है ना, इसका बहुत तगड़ा मैटर है यहाँ पे। तो गाइस दिल्ली से सोनप्रयाग का मैटर अब यहीं पे खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ देखा होगा। तो कमेंट बिल्कुल ना करें, लाइक तुम्हारी मर्जी है कर दो या मत करो।
और फिर उसके बाद जब आप ये वीडियो देखोगे उसके 24 घंटे बाद इसी टाइम आपको मैं बाबा के दर्शन करवाऊंगा। केदारनाथ चढ़ाई की वीडियो आपके आगे प्रस्तुत होने वाली है। बोल शंकर भगवान की yes! सदा ही जय। मिलते हैं। मने रस्ता दिखाते ओ बोले गंगा नाम आई सू मैं गंगा नाम आई सू मैं बारे घुमा दे ओ बोले हरी बारे घुमा दे ओ बोले